नमस्ते मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको ले जा रहा हूँ इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में मौजूद है। और ये इंडिया ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। दिस इज द 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। 1814 में ये म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया था बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। म्यूजियम में घुसते ही जो एलीज हैं, वहां पर आपको काफी सारी 8th टू 12th सेंचुरी की मूर्तियां दिख जाएंगी, जो हमारे प्राचीन इतिहास की कलाकारी को दर्शाती हैं। मार्बल में बना हुआ ये फुटप्रिंट यानी कि पद चिन्ह म्यांमार से लाया गया है, जो कि 19th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बनाया गया था। ये फॉसिल पेड़ 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये उस जमाने की बात है जब इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एक साथ जुड़े होते थे और उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इस म्यूजियम में एक 4000 साल पुरानी ममी भी है, जो इजिप्ट से यहाँ पे लाई गई थी और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मौजूद है। ये जो स्तूपा आप लोग देख रहे हैं, ये है भारूत स्तूपा, जो कि 75 बिफोर क्राइस्ट के टाइम के हैं और इन्हें अब यहाँ पे एकदम एज इट इज प्रिजर्व किया हुआ है और आप इनके अराउंड वॉक भी लगा सकते हैं। सेकेंड सेंचुरी BCE से लेकर जो सोने और चांदी की अशर्फियां इस्तेमाल की जाती थी, वो भी यहां इस म्यूजियम में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ही बड़ा हॉल यानी कि गैलरी डेडिकेटेड है पुरानी पुरानी मूर्तियों को, जो 8वीं सदी 10वीं सदी 12वीं सदी की पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं जो हमारे प्राचीन भारत की कलाकारी को दर्शाती हैं। ग्रेनाइट और मार्बल को तराश कर बनाई गई ये मूर्तियां हमारे प्राचीन भारत के कलाकारी को दर्शाती हैं। गैलरी में आपको हर प्रकार के जानवरों की हड्डियां और उनके आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके देखने को मिल जाएंगे। यहां तक कि यहां पर आपको डायनासोर का स्कल भी दिख जाएगा। ये है 11.5 फुट ऊंचा हाथी जो एक जमाने में महाराजा ऑफ बनारस का हुआ करता था। और ये है दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कछुए का शेल। आप लोग देख सकते हैं कि ये करीब 6 फुट से भी ज्यादा लंबा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में और भी बहुत कुछ है जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।